नमस्कार अर्गस रो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछु मुचिन भाई अहंकारी प्रधान शिक्षयत्री दर्शक बंधु ये कथा आमे गत कालीठो कहि आसुछु आपनकु जे वास्तविक भाव रे जो प्रधान शिक्षयत्री को ना कहुछु आईआरसी विलेज रो जो सरकारी उच्च विद्यालय रहिछि सेठाकर प्रधान शिक्षयत्री किबोली भाव रे अहंकार देखौछंती निजे एक नंबर हेबा पाई 164 पिला को फेल करछंती ये लॉजिक हुए तो आप बुझि पार नथिबे लॉजिक विषय में परवर्ती समय आलोचना करबा किंतु वर्तमान सीधा साल को जीवा को चाहे आईआरसी विलेज सम्मुख को एवं सेठे उपस्थित अछंती हम प्रतिनिधि संतोष जेना अछंती एवं आमे जहां चित्र संतोष किछ समय पूर्व आप देखौथिले जे पिला माने आंदोलन करूथिले एवं वास्तविक भाव में केउ कारण तांको फेल करा गला एवं 164 पिलांकर भविष्य गोटे पटे अंधार को ठेली हो जाइछि वर्तमान रो चित्र कोन सामना को आसुछि संतोष निश्चय भाव में आम संतोष सहित तो जोड़ा वास्तविक सेठे चित्र कण आसूची से संपर्क में जानवा किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हो गोटे सरकारी प्राथमिक विद्यालय एवं सरकारी स्कूल रे जिते बड़े 164 पिला फेल कर लॉजिक हूँ जे प्रधान शिक्षयत्री जदि एम को निहले जदि मैट्रिक रे खराब रेजल्ट करुँचा से एक नंबर हो पारे ना सेमानंकर ना रहिबना जो कि नवम श्रेणी रू फेल करा जाइछि दशम को निया जाइनी एवं सेठी प्रधान शिक्षयत्री एमानंकु सांत्वना दउछंती बा तांकु बुझौछंती वास्तविक भाव में जदि समस्ते पास करिवे ताहाले रंग काम करिवो किए एभळी मध्य एग्जांपल दउछंती तबे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि गोटे शिक्षक एभळी पिलांकु एग्जांपल देकरी फेल करिबा केते दूर जुक्तियुक्त आउ केते दूर ये समाज पाई गोटे सुस्थ समाज पाई गोटे शिक्षक किभली भाव में तार मनोभाव यही परिदर्शन कर सबुठ बड़ कथा हूँ 164 पिला गोटे कि दुईटी नुहंती 164 पिला से एक कालीन भाव में फेल कर जो कि भविष्य तो एक प्रकार अंधार को ठेली जाइए आप जानते कोरोना महामारी समय पे पाठ पढ़ापी किभली भाव में अनेक समस्या दे गति करुले स्कूल जापार एवं को माने ऑनलाइन रे जदियो पाठ पढ़ सुविधा पाउथिले को माने पाउ नथिले एवं ये जो पिला माने वर्तमान अछंती 164 पिला से माने होछंती सालिया साहिर बस्ती बासिंदांकर पिला एवं सबुठ बड़ कथा होछि से मानक अभिभावक वर्तमान जहाँ अभिजोग आणुछंती जे आमे गरीब बोली आमको फेल कर दिया जाइछि एवं जो माने उत्तीर्ण होछंती से मानकर चेहरा रहिछि एवं से माने टंका रहिछि जो मानक सहित शिक्षयत्रींकर भल संपर्क से मानको पास करा जाइछि एवं आम को फेल करा जाइछि आम पिला को फेल करा जाइछि तबे एठी प्रश्न उठुछि जने सरकारी विद्यालय किंबा ये व्यवस्था भितर ये देश बा आम समाज रे गोटे जेतेबेले पिलाटी पाठ पढ़ी पाकुछ बो तार कोनो जे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जदि ठीक थिबो ताल से पाठ पढ़ी पारिबो नहले नाही ये प्रश्न एथि पई मन को आसुछि पुनि थरे संतोष को पाखो कुछ बा संतोष वर्तमान रो चित्र कोन आसुछि देखो निश्चित भाव चिन्मयी वर्तमान समय चित्र आप देखु ये हूँ स्कूल परिसर दृश्य जो पिला माने आंदोलन में बसी जो माने थाना बसते से माने वर्तमान फॉर्म फिलअप करने लाइन देते सहित आम कि छात्र छात्री प्रतिक्रिया ना को चेष्टा करूँ जे वर्तमान समय कौन कह फॉर्म फिलअप ना उत्तीर्ण কালি না আজি বসিলা পরে থানার আসলে তারপরে কুয়া কুই হলো তারপরে আডমিশন করি বলে রাজি হয়েছেন সব পিলা সব পিলা না কোশ্চেন 60% যা তো তার হবো আকার হবো আটেন্ডান্স তো পূর্ব নাই গত টোটাল নাই গতলে তো হবনি মানে গরিব পিলাঙ্কর টোটাল আডমিশন হবনি ধনী পিলাঙ্কর পয়সা তো দেখি হয়ে গরিব পিলাঙ্কর পয়সা নাই যার সে কম করিও কিন্তু কথা আসুচি যে তোমাকে দিদি কম কৌছিলে दीदी आम किसी कहना ना आम दीदी जाइए कौट को आम पीटी सार भी जाइए कोर्ट रे दीदी कहे पिला लेबर जब पिला फेल न हो लेबर कम मिस्त्री कम हम दीदी यहाँ कह रि आम कौन चाकर हाँ लेबर कम मिस्त्री कम जाए आम कौन घर कम करूँ से आम भी आगे बोले आम देश मैंने कौन करूँ कौन कहमिशन हमें दीदी सेमती किसी कहीना कौन 60% जी रखी थी अटेंडेंस सी पास हो बोली कही दी दीदी देखा जाए दीदी कौन फॉर्म फिलअप न कले तुम्हें जीवन ना आज जी नाला कि अभिभावक मैंने अच्छा से प्रतिक्रिया ना चाहिए कौन आप धारण में बसले आज कौन आस आज आस पी मानक तो आज लास्ट डेट आज फॉर्म फिलअप कले जा उठिक
केस वास ना आम दीदी पचारू दीदी कहले आम उपर आड़ अरड़ आसनी आम सब शुणाशुणी कले आड़ उपर अरड़ आईले आम पे फोन कर डकेबू डकई फर्म फिलअप कर दीदी मैंने कहते हैं पे मैंने कहते मैंने आसे जो आम दीदी कहीं फेल हलु आम परीक्षा पास होमें पढ़ीचु मन दे कि आम कहीं फेल कले कहला दीदी मैंने कहले पा कौन तुम जी सब पास हो जो बाहर कम गुरा करे रंग कम करे सैकल दुकान में पोछ किए गाड़ी पोछ किए ये कम सब कि नक आम थे बस थे जा सब पिले सब पिले कम मार्क रखु बेसी मार्क रखु तीन मस जेहेतु नाइन क्लास पाठ छाड़े टेन क्लास रमक न जड़े कि बंद करदे आम जाना कथा तीन मस छाड़ दशम श्रेणी पाठ एवं आम पिला एडमिशन कर सीधा सख चित्र आम स्कूल परिसर देखा जो पाने वर्तमान जो मैंने फर्म फिलअप करने अपेक्षा करते फर्म फिलअप करने आसठू बड़ कथा होते स्कूल करतृपक्ष भिन्न अजब जुक्ति थिला जे किए कम करने किए पाठ पढ़ ये प्रकार अभियोग समस्ते आणुते और सब गुरुत्वपूर्ण कथ हो जे प्रधान शिक्षयित्री अच्छा सुनंदा मेकअप से गोटे विरोध में गोटे अभियोग आसी से पिला बारंबार कहते तुम्हें बस्ती पिला पाठ पढ़ी पार्वन एक पिला अभियोग कर सहित जो मैंने बस्ती बासिंदा अच्छा पिला नहीं धारणा बसते पुलिस आसिकी वर्तमान समय समस्त को उठाई विशेष भाव में आम अनेक समय उदाहरण देखती जो शिक्षक मैंने विभिन्न गली कंदी में जो जगह को अपहंच अच्छी से जगह जा समस्ते पाठ पढ़ा किंतु एटी कितु अजब चुक्ति देखा मिलला जे जो पिला कम मार्क रखी दीदी को एक नंबर हाँपाई केमती सब पिला पास करेंगे ताकू कि भाव में आग को जवाक हम एपाई पखापाखि 164 पिलांर भविष्य सह खेल खेला ये जितियों मानवाधिकार कमिशन निकट में पिटन दाखल है आप आसते भेटापी कौन कथबार्ता स्टूडेंट मान सहित मुझे कथी से मैंने कहले जे दीदी आमर तांकर प्रिंसिपाल अच्छे से कहले आमको पास कर दि जाए तो आम शुणी आम धीरे रही तो आम जो स्कूल आसचु फर्म फिलअप करने आमको फेल कर दि जाए जे 164 पिला 164 पिला फ्यूचर सहित तो खेल ये कौन आम कर्तृपक्ष ठीक जेहेतु यहाँ गोटे स्टूडेंट लाइफ प्रति से मैंने खेलुच गोटे स्टूडेंट मौलिक अधिकार हूँ शिक्षा से मैंने गरीब हूँ कि जी भी खाली धनी पिला ही पाठ पढ़ी पारे कि गरीब पिला मैंने मूलिया कम कम कर पाठ पढ़ी पारे से ये अधिकार देवा दरकार से तुरंत से फर्म फिलअप ही होगा दरकार जपर्यंत मर फर्म फिलअप होनी आम सपक्ष विद्यार्थी परिषद सब बेले सपक्ष जो आम जेहेतु छात्र संगठन सामाजिक छात्र संगठन छात्र संगठन हिसाब से आम से पूरा सहयोग करूँ आपर्यंत फर्म फिलअप होनी से 164 पिला भविष्य अंधार हो कहीं से नवम जेहेतु कहला नवम क्लास टाइम समस्ते पास करा दिया जाए गोटे एग्जाम दे कि रखा जाता जे समस्त को पास करा दिया जाए से 164 पिला जो रिजल्ट हेल करा दिया जे से फर्म फिलअप कर देना तुरंत पुलिस सहित आलोचना कले आपको उठे दिगला गेट सामने एवं कौन करेंगे सब पिला एडमिशन हम ना जो क्राइटेरिया जो मैंने फुलफिल कर देखो तो समस्ते क्राइटेरिया फुलफिल करते जो गोटे कथ कहते अटेंडेंस ना 66% जदि तर अटेंडेंस न था सी परीक्षा दे पार ना सी परीक्षा जेहेतु तार अर्थ होती से समस्त 66% अच्छी सरकार क्लीयर गाइडलाइन अच्छी जो मैं 66% अटेंडेंस ना से नवम क्लास में परीक्षा दे पारे ना दीदी तो यहाँ मानी ना से समय एवं किसी पिलांर आत्मांस नाला परीक्षा में बस पार ना समय किए मेडिकल सर्टिफिकेट दिए अल्प किसी पिला बसते ना आहरी किसी पिला 66% आत्मांस नाला परीक्षा में बस ही पार ना तो 66% तेना आत्मांस समस्त अच्छी जो मैंने से परीक्षा एवं सब ठिया समस्त 66% आत्मांस अच्छी सी केवल ह्यूमन राइट कमिशन जो अर्डर देलापर सी रागर जे आम ह्यूमन राइट कमिशन कथ को मानवु ना सी मात्र 164-184 पिलांर पास करदे से फर्म फिलअप करदे ना को मानि है अन्य को कहते हैं परसेंटेज ना बट समस्त 60% अटेंडेंस अच्छी कौन पिला पाठ पढ़े शिक्षक मैंने पाठ पढ़े राग कौट आसूँ राग शब्द कौन पाठ पढ़ापी अच्छा पाठ पढ़े ये भितर कथ आसी मूलिया पिला धनीघर पिला गरीब पिला ये कथ कौन
ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ଆମ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିର ଯେତେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍କୁ ମଡ଼େଇଦେବେ ନାହିଁ ବା ହାତ ଗଣତି ଗୁଡ଼ିଦା ପିଲାଙ୍କୁ ମଡ଼େଇବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ପାଠ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବେ କଲେଜ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ କେହି କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ କଲେଜ ଇନ୍ଫ୍ରଣ୍ଟ କି ବନ୍ଧିକି ଥିବା ପିଲା କେବଳ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଚାଲି ଆସିଛି ଏ ବର୍ଷ ସେ ପୁଣି ଏଇ ନୂଆ ଆଳ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସୁନନ୍ଦା ମେକଅପ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରୁ ହଉଥିଲା ନା ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ବାହାରିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତାରୁ ଏଭଳି ହେଇଆସୁଛି ଆପଣ ସାଲିଆ ସାହି ଭିତରକୁ ଯିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ବି କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା କଲେଜ କେମିତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଆଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି କି ମାନର ପାଠପଢ଼ା ସେ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାଇଲ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାରେ ଯଦି ପାଠର ମାନ ବି ଭଲ ତା ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଠପଢ଼ାର ମାନ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମାତ୍ର ସେମିତି ନୁହଁ ସେ ଖାତା ହିଁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍ ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଜିଦିରେ ଅଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ପିଲା ଦାୟୀ ନା ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲା ଯେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଇ ପାରିଲେନି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଲା କେମିତି ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ବାଟ କରାହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲଜିକ୍ ବାହାର କରାହେଉଛି ଯେ ଏଠି ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାଇମେରିଲି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ପିଲା ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନବମରୁ ଅଟକି ଦିଆହେଉଛି ସାଲିଆ ସାହି ଏ ଗଣପତି ନଗର ବସ୍ତି ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପିଲା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜରେ କେହି ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଆମେ ବି କାଲି ଯାଇ ବସ୍ତିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପିଲା ଯାଇ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ସବୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ କି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମେ କଲେଜ ଯାଇକି ଆମର ଘର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ବି ସୁଧାର ଆଣିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି 2-3 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ପୁରା ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା ଫେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫେଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟର ଧମକ ଦେଲା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଗେଇଦେଲା ଏବେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ହେବ କ୍ଷମା କରିବେ ଏଠି ଯଦି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ତ ଆପଣ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ 144 ଜାରି କରାହେଲାଣି ନା ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବସିପାରିବେ ନା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଠୁ ଯିବେନି ଆମେ ବାହାରେ ବସିବୁ ଆମେ ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହଉ ଆମେ ବାହାରେ ହିଁ ବସିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଯଦି ସେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଜେଲ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 144 ସେକ୍ସନ୍ ଜାରି କରିକି ଆମେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇ ନାହୁଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଶେଷ ତାରିଖ ବୋଲି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଦି ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଲା ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ଭଲ ଛାଇ ତଳେ ରହିବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ପୋଲିସ ଆସିକି ଏ କାମ କଲେ ମାତ୍ର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ଆମେ ବତାଉଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପିଲାମାନେ କରିକି ଯିବୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ମାଗୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ପିଲା ଏଭଳି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନବମ କ୍ଲାସ୍ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଉଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉଛି ଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି କି ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କେବଳ ନିଜ ରାଗ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏତେ ରାଗ ଅଛି ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କେହି ବସ୍ତି ପିଲା ନଥିବେ କେଉଁଠି ବସ୍ତି ନଥିବ ଦିଦିଙ୍କୁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅହଂକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଏ ଅହଂକାରୀ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ କିଏ କେବେ ଆସେ କିଏ କେବେ ଯାଏ ଏ ସବୁ କଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୁନନ୍ଦା ମେକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦିଦିଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଉଠାଇଛୁ 164 ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ 164 ପିଲା କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଲେ ଏହାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେ ସାଲିଆ ସାହିର ଏଭଳି ମାନସିକତା ରହିଛି ଯେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେ ସାଲିଆ ସାହିର ଗୋଟିଏ ବି ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କଲେଜର ମାଟି ମାଡ଼ି ନପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ପାସ୍ ନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଖରାପ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି 66% ସେମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ଏଠି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର
प्रश्न उठाऊँ नवम श्रेणी में किभली परीक्षा देले जदि अटेंडेंस कम थिला नवम श्रेणी में परीक्षा दे पार न था जेहेतु परीक्षा देखते अटेंडेंस रही कौटी ना कौटी प्रधान शिक्षयित्री निजर दोष त्रुटि को घोड़ाइबा वर्तमान किसी पिला अलाउ कर फर्म फिलअप आउ कि पिला बात देते तेज संतोष परवर्त समय आप फेर कि वर्तमान शत्रुपा रही गणशिक्षा मंत्री बासभवन सम्मुख आम सहित तेज शत्रुपा वर्तमान शिक्षा मंत्री एने कौन प्रतिक्रिया आप हस्तगत हो घटना पूरा अवगत अच्छा ना ना शिक्षा मंत्री देखु जहाँ चिन्मयी गत काली यही तमाम खबर आम प्रसारण कर चलीचु एवं आम प्रतिक्रिया नेवाई चाहूँ कि वर्तमान सुधा कौन प्रतिक्रिया मिल पारिना कि सबुठ बड़ कथा है यो 164 जन छात्र छात्री भितर 44 जन को वर्तमान जो फर्म फिलअप एलाउ कर बाकी जो बाकी रही जाइंट छात्र छात्री से भविष्य धीरे धीरे अंधकार आड़ को ठेली जाऊँगी ये कथि कही जो प्रधान शिक्षयित्री निजर अहंकार को निजर अहंकार को देखते जो कथि कही कि तुम्हें जदि पाठ पढ़ पास कर रंग कम कर कि एभली एक कथा जिते बड़े एभली एक कथा जितेबले कहीपारुचंती गोटे गोटे स्कूल प्रधान शिक्षयित्री निहाती भाव में यहाँ पर कार्यानुष्ठान होगा निहाती दरकार हो पड़ी आम लगातार प्रतिक्रिया चाहूँ गणशिक्षा मंत्री कि वर्तमान सुधा कौन सी भी प्रतिक्रिया मिल पारिना तो निहाती भाव में देखो चिन्मयी गोटे कथा आम कह सर्वप्रथमे आम यही खबर टी प्रसारण करूँ आम जो बस्ती अंचल को ग्राउंड जीरो को जाकि छात्र छात्री स्थित बुझी जितेबले आम सर्वप्रथम दिन में तो से अवस्था दयनीय हो पड़ा कारण एभली जेते बड़े स्कूल रू विदा हो जाइंटी मानसिक स्तर में एत चापर थे जे किए किए मद काउंटर रे काम करूला कौ छात्र छात्री तो आउ किए जाकि किए साइकल दुकान रे काम करूला एभली स्थित अनेक छात्र छात्री रही देखा मिलता तो निहाती भाव में एमकर भविष्य जिते बड़े निजर गोटे सुनेली भविष्य गढ़ापी से शिक्षा अनुष्ठान आड़ को से मुहा खासकर सरकार एत डिमडिम बाड़ स्कूल गुड़िक सभी पढ़ु सभी बढ़ु जो नाराबाजी कर कौटिना कौटि यह एक नाराबाजी हो रही जाऊँच कितु कौन सी भी छात्र छात्री यार जो रही लाभ उठे जाना सर्वशिक्षा अभियान करा सर्वशिक्षा अभियान मध्यम कि पिला माने उत्कंठार सहित स्कूल आसिबे सेथिपाई मध्य सरकार बंदोबस्त कले सेथिपाई मध्यान भोजन करा गला पिला मानको पोशाक दिया गला पिला मानको साइकिल दिया गला जो माने मध्य भलो पाठ पढ़िबे से मानको मध्य स्कॉलरशिप दिया जाउची एते सब व्यवस्था भितरे किंतु शिक्षक माने जो माने पिलांको भितरे आग्रह भरिबा र आवश्यकता रहिछि किभली पाठ प्रति से माने उत्साहित हेबे किभली पाठ पढ़िबे जोठी गोटे शिक्षक गुरु दायित्व रहिछि आमे गुरु बोली कहुचे एवं शिक्षकंकर प्राथमिकता रहिछि जे ये समाज को गोटे सुंदर भाव में गढ़ा ये समाज को गोटे सुंदर छात्र छात्री दबा ये शिक्षयित्री एवं शिक्षक मानक गुरु दायित्व किंतु ता भितर शिक्षयित्री कहते जदि तुम्हें माने समस्ते पास कर रंग कम कर किए मिस्त्री कम कर किए एभली एग्जाम्पल दौरान वास्तविक शिक्षयित्री कौन चाहती कारण जो भाई अभोग आलिया साहर जो अभिभावक मैंने रही है कहते जे एठिकार ये घटना प्रथम घटना नुह अनेक वर्ष है सालिया साहि गोटे भी पिला कलेज जाऊना कारण एठिकार मानसिकता रही सालिया साहि बस्ती आसुवा पिला मानू कि फेल कर दीजिए आउ गोटे अभोग आदि एम 66% उपस्थापना नाला तेल किभली भाव में नवम श्रेणी में परीक्षा दि गला जदि एम अटेंडेंस चेक करुते नवम श्रेणी में परीक्षा दे पार न था से इलिजिबल हो न था कि नवम श्रेणी परीक्षा दे सारे वर्तमान कहते जे 66% एम अटेंडेंस ना ये तो कौटि ना कौटि दोष त्रुटि को घोड़ाइबा को चेष्टा करे घटना को कौन एभली भाव में समाधान कर दिजाव घटना को चपा जा ना जी रही प्रधान शिक्षयित्री विरोध में कौन सी कार्यानुष्ठान निजी शत्रुपा तेज जो भाई भाव में बर्तमान आप शुणुते शत्रुपा आम सहित जोड़ी होते हैं और गणशिक्षा मंत्री बासभवन सामनारु जो दृश्य सी आम सहित प्रतिक्रिया रखुते जहाँ कहते वास्तविक भाव में एत बड़ कथ ये कौन सी उपात अंचल कथ नुहे ये हूँ खोद भुवनेश्वर छाती उपर आईआरसी भिलेज जो सरकारी उच्च विद्यालय रही सेठाकर प्रधान शिक्षयित्री एभली मंतव्य आसूर तांको नारे ते सांघातिक अभियोग आसुची किंतु वर्तमान सुधा मंत्री कौन ये घटना संपर्क में जानुना कि जदि जानते ताले काहे की प्रतिक्रिया रखुना ये सबुठ बड़ प्रश्न सृष्टि होती तेरे शत्रुपा
जो भाई भाव में आम बास्तविक आलोचना करुचे जे गोटे शिक्षक दायित्व कौन एवं से करुच्ची कौन जदि शिक्षयत्री ना एत सांघातिक अभोग विरोध में कार्यानुष्ठान हो ना निहाती भाव में चिन्मयी कार्यानुष्ठान निया निहाती आवश्यक हो पड़ी कारण गोटे कथा मुझे कह चाहूँगी जितेबले नियमटी कराई नवम श्रेणीर छात्र छात्री जो मैंने भी जेकोसी सरकारी स्कूल पढ़ुं संपूर्ण दायित्व स्कूल कर्तृपक्ष हाथ में रही है यह माने नुह कि आपण हाथ में जदि गोटे पावर दि जाऊँच तार आपने मिस यूटिलाइज करेंगे जदि कौन बिलरु बिलो छुआ जो मैंने भल पाठ पढ़ी पार ना से आप होल्ड करके रखिए यह माने नुह कि आप करदे होल्ड करके रखिए अधिक शिक्षा देवे एक्स्ट्रा क्लास करेंगे कहीं छुआ पाठ पढ़ी पार ना तार ग्रासरूट लेवल पर्यटन जी अभिभावक सहित आलोचना करेंगे ता घर को बारंबार नियमित भिजिट करने को जी स्कूल अधिक प्राधान्यता दिजिव एसब व्यवस्थापी नवम श्रेणी जो छात्र छात्री भल पाठ न पढ़ती होल्ड कर व्यवस्था रही कि पूरा ये नियमटी रही यार संपूर्ण भाव में फायदा उठा जा छुआ जिते पाठ पढ़ुं शहे चौसठी जन छात्र छात्री को मान चालीस प्रतिशत छात्र छात्री को फेल कर दिखाई केवल बछा बछा भल छुआ मानक रखाई जहाँ को लेकिन दीदी मेट्रिक परीक्षा दे था जितेबाने भल रिजल्ट करते से खाली बाहबा ही नहीं था कितु ये गोटे कथा उठू गोटे शिक्षक कर्तव्य कौन जिते चाकरी करते चाकरी में जयन करते गोटे शिक्षक धर्म कौन से बोधे निहाती भाव में भूली जाइंट गोटे शिक्षक धर्म हूँ जितेबले भी गोटे छुआ बिलो स्टाणार्ड रही कि भाव में पाठ पढ़ाई कि भल भाव मनीष या भल मनीषे या समाज एक सुस्थ परेश बचाई पार से ही तहार गुरुर प्रकृत आख्या मिलता है किंतु ये संपूर्ण भाव में घटना अलग देखा मिली शहे चौसठी छुआ को फेल करदे पुणी वर्तमान कह तुम मैंने काली सब गोटे बड़ प्रतिक्रिया मिलता छात्र छात्री मैंने अभियोग करते कि प्रथम कह तुम्हें पास होते कस बस्तीवासीदा छुआ जिते मूलिया कम करी गोड़ी सीमेंट कम करी माँ बापा पैसा रोजगार करती से ही पैसा तीन बहीपत कि से बहीपत भरण पोषण पैसा से सब देव किए कि गोटे तो प्रथम कथा है द्वितीय कथा है पुणी ए मात्र चौरालीस छुआ को आम एडमिशन देवु चौरालीस छुआ को एडमिशन दे कि आम बाकी थक छुआ को एडमिशन देबूना कारण फर्म फिलअप करा देबूना कारण से पाखे एटेडेन्स कम रही जदि एटेडेन्स कम रही नवम श्रेणी से परीक्षा केमी शत्रुपा सब बड़ प्रश्न हो ये हूँ कुनी कुनी पिला एम छात्र छात्री आए हूँ प्रधान शिक्षयत्री एम संपर्क हूँ गुरु आशिष्यर संपर्क या भितर राग आसुची कौठू एवं कहीं प्रधान शिक्षयत्री एभली काम करुँचा समस्त को आश्चर्य कर सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जदि भुवनेश्वर गत काली ये घटना बारंबार गणमाध्यम प्रसारण होमें घटना को बारंबार जनावु सरकार निकट में पहुँचवाक चाहू कि वर्तमान सुधा शिक्षा मंत्री गोटे भी प्रतिक्रिया आसुना ताहले एठी कोठी ना कोठी निश्चित जे समस्ते जे सियोर वास्तविक भाव में प्रधान शिक्षयत्री बड़ बड़िया सहित हाथ रही से माने प्रधान शिक्षयत्री घंट घोड़ाऊँच एवं मंत्री सब जाणी चुप रोचे तेरे बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुपा आम सहित जोड़ी होते और संतोष आम सहित जोड़ी होते आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि समस्त को धन्यवाद जनइबी समस्त ब्रेकिंग को ये रखु नमस्कार।